हा काय सूर्य कोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्य सुसर्वदा सर्व मांगल्य मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। रणजी स्मृती चषक 2020 पर्व सहावं आणि या सहाव्या पर्वामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। टॉस इथे जिंकला डीएस लॉयन्स आणि टॉस जिंकल्यानंतर बॉलिंग करण्याचा निर्णय त्यांच्या वतीने घेण्यात आला आणि नुकतंच आपल्या मुख्य व्यासपीठावर प्रतापजी सरनाईक यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। त्यांचं सहर्ष स्वागत आपण करूया रणजित ट्रॉफी 2020 मध्ये। पहिले षटक हाताळत असताना बॉलर गौरव आणि गौरवच्या विरुद्ध आता चांगला प्रहार होतोय स्क्वेअर लेग बाउंड्रीलाईनच्या दिशेने मिडविकेटवरून जोपर्यंत फिल्डर येतो तोपर्यंत एक रन घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी रन देखील यशस्वीरित्या इथे कंप्लीट केली जाते। दोन रनने इथे खातं उघडलं जातं, टीमचं रन होतं स्कोअर बोर्डवर 2। स्ट्रायकिंग एडला खेळतोय बॅट्समन मयूर आणि नॉन स्ट्रायकिंग एडला खेळतोय बॅट्समन प्रेम। मयूर आणि प्रेम ही ओपनिंग पेअर बॅटिंग करणाऱ्या टीमची, पॅन्थर बॉईज शास्त्रीनगर डीएस लॉयन्स नलपाडा दोन टीमच्या दरम्यान ही मॅच इथे रंगते। पुन्हा एकदा एक चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळतोय, मिड ऑनला फिल्डर आहे परंतु मिडविकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने डीप मध्ये फिल्डर जोपर्यंत बॉलवर जाईल तोपर्यंत एक रन इथे कंप्लीट केली जाते आणि या सिंगल नंतर रन झाले स्कोर बोर्डवर 3। हा देदीपेमान 16 सलग 6व्या वर्षामध्ये आपल्या समोर घेऊन आलेले आहेत या स्पर्धेचे आयोजक श्रीकांतजी भोईर यांच्या संकल्पनेतून दरवर्षी स्पर्धा आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येतो आणि या 6व्या पर्वामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। ऑन साईडला स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने कॅप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न आणि खूप चांगला स्ट्रोक, बॉल जातो डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि येतोय हा चौकार। यामध्ये तशीच आहे, स्ट्रगल तुम्हाला करावं लागतं गुगलवर येण्यासाठी आणि सध्या टेनिस बॉल क्रिकेट भरपूर मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण जगामध्ये जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये खेळलं जातं। नुकताच क्रिओ कप देखील झाला युरोपियन कंट्रीमध्ये इंग्लंडमध्ये, त्या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं। महाराष्ट्राचे टेनिस बॉल क्रिकेटर लंडनची वारी करताना दिसले आणि त्याचमुळे टेनिस बॉल क्रिकेटला सुगीचे दिवस आलेले आपल्याला पाहायला मिळतात आणि या स्पर्धांचं योगदान त्याच्यामध्ये भरपूर मोठं आहे। ज्या पद्धतीने या स्पर्धा आपल्यासमोर रंगतात या 6व्या वर्षामध्ये एवढं दैदिप्यमान आयोजन करण्यात आलेलं आहे श्रीकांत भोईर यांच्या संकल्पनेतून दरवर्षी ही स्पर्धा आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन येतो। स्पर्धेचं हे 6वं वर्ष आहे आणि आता बॉलिंग मार्कवर सज्ज होत असताना गौरव चांगली बॉलिंग आणि तेवढा चांगला स्ट्रोक, आता मात्र स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे, एक रन इथे कंप्लीट केली जाईल। सिंगलने स्ट्राईक रोटेट करत असताना बॅट्समन पॅन्थर बॉयची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर जाऊन पोहोचली आतापर्यंत 8 रन। पहिलं षटक इथे समाप्तीची घोषणा इथे अंपायर करतात, पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन झालेत 8। धन्यवाद कुणाल, आजचा दिवस हा शुभारंभाचा प्रारंभ असला तरी आज आपल्या सर्वांचं लाडकं नेतृत्व म्हणजेच आपल्या विभागाचे लोकप्रिय कर्तव्यदक्ष कर्तव्यतत्पर आणि प्रत्येक मनामध्ये ज्यांनी आपला ठसा उमटवला अशा आपले सर्वांचे लाडके आमदार माननीय प्रतापजी सरनाईक साहेब यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। मी माननीय देवीदास भोईर साहेब यांना विनंती करेन की त्यांनी सन्माननीय प्रतापजी सरनाईक साहेब यांचं आपल्या सर्वांच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करावं व सर्वांनी उभं राहून त्यांना मानवंदना द्यावी। हा स्वागत सत्कार नव्हे तर आमचा अभिमान आहे की साहेबांचे पायात आज पहिल्या दिवशी ते लाभलेले आहेत। सहावं वर्ष म्हटलं तरी घोडबंदर पट्ट्यातील ही दैत्यपान स्पर्धा महाराष्ट्रात आपला वेगळा ठसा घेऊन गेलेली आहे। उत्कृष्ट आयोजन नियोजनाबद्दल आणि नियम आणि अटी यांचं पालन आणि क्रिकेट खेळाला दिलेली संजीवनी म्हणजेच रणजी स्मृती शतक। ओव्हर टू कुणाल फॉर द नेक्स्ट कॉमेंट्री। तर पहिलं षटक इथे संपलं, पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 8 रन आहेत स्कोर बोर्डवर बॅटिंग करत असताना पॅन्थर बॉईज शास्त्रीनगरच्या विरुद्ध डीएस लॉयन्स नलपाडाच्या मध्ये ही मॅच इथे रंगते। टॉस इथे जिंकला होता, उशिरा जे प्रेक्षक आमच्याशी जोडले त्यांच्या माहितीसाठी डीएस लॉयन्सने इथे मात्र आता दहाड ठोकली आहे पहिल्या ओव्हरमध्ये। रन स्कोर बोर्डवर आहेत 8 पॅन्थर बॉईजचे। पॅन्थर बॉईज देखील शिकारीसाठी जाणली जाते, एक महत्वपूर्ण मॅच आहे, दोन्ही टीम ताकदवान आहेत। यानंतर होईल मॅच भावेश 11 वन साईट वर्सेस जॉली बॉईज मुमरा,
दोन्ही टीमच्या कॅप्टननी तयार राहायचं आहे. पहिली इनिंग झाल्या झाल्या तुमचा प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये टॉस केला जाईल आणि कॅप्टनच्या साईन तिथे केल्या जातील आमच्या सायनिंग बोर्डवर. एक वेगळी संकल्पना दरवर्षी या स्पर्धेमध्ये आपण घेऊन येतो. यावर्षी या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजसाठी जो खेळाडू मालिकावीर ठरेल या स्पर्धेमध्ये सर्वोत्कृष्ट खेळाडू या स्पर्धेतला त्याला थायलंड टूर आयोजकांच्या वतीने दिला जाईल. म्हणजे पहा किती सुगीचे दिवस आलेत टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये. थायलंडमध्ये जाण्याची संधी मिळू शकते. एखाद्या खेळाडूचं स्वप्न परदेशात जाण्याचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून पूर्ण होऊ शकतं. आणि आता उपस्थित होत आहेत युवा नेतृत्व सन्मान्य रवी घरत साहेब यांचं. व्यासपीठाच्या तिथे आगमन होत आहे मान्यवर सन्मान्य रवी घरत साहेब यांचं समस्त क्रीडा संघटनेतर्फे आणि रणजित स्मृती चषकांतर्फे मान्यवरांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. पहा या स्पर्धेवर किती मान्यवरांचं किती दिग्गजांचं प्रेम आहे. कारण 6 वर्षामध्ये प्रत्येकाच्या मनातली स्पर्धा अभिमानाची सन्मानाची स्पर्धा या ठाणे घोडबंदर परिसरामधली एक स्वाभिमानाची स्पर्धा आमच्या समोर इथे रंगत असताना रणजित स्मृती चषक 2020 पर्व 6 पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत या मंचावर. मुख्य अतिथींचं आगमन इथे होत आहे. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे श्रीकांतजी भोईर यांच्या वतीने. बॉल तयार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. या वेळेला बॉल हवेत आहे शॉर्ट कव्हरच्या दिशेने. फिल्डर जज करतोय. जजमेंट खूप चांगला आणि खूप चांगली कॅच तिथे पकडली जाते लोकेशच्या माध्यमातून. बॅट्समन आउट. पहिली विकेट इथे गमवली जाते आणि आउट झाला बॅट्समन मयूर. व्यासपीठाच्या दिशेने आगमन होत आहे माननीय राजेंद्र पाटील यांचं. व्यासपीठाच्या दिशेने आगमन होत आहे मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत. आमच्या बरोबर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये ऍज अ स्कोरर म्हणून मोहसिन खान खूप चांगल्या भूमिकेमध्ये आहेत. जेवढं चांगलं व्यक्तिमत्व आहे तेवढं चांगलं गुणलेखन त्यांचं आपल्या या रणजी ट्रॉफीसाठी. अनेक मान्यवरांचं इथे आगमन होत आहे. या स्पर्धेची चर्चा सातत्याने रंगते महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेटच्या पटलावर. दरवर्षी काहीतरी वेगळं करण्याचा मानस धाडस प्रयत्न केला जातो या स्पर्धेच्या माध्यमातून आणि दरवर्षी काहीतरी नवीन देण्याचा प्रयत्न टेनिस बॉल क्रिकेटला या सर्व आयोजकांच्या वतीने होतो. याही वर्षी हा दैदिप्यमान सोहळा रंगतोय. पहिली मॅच पहिली या अगोदरची जी मॅच रंगली ती 40+ दरम्यान खेळली गेली परंतु मुख्य स्पर्धेतली पहिली मॅच आपल्या समोर रंगते डीएस लॉयन्स विरुद्ध पॅन्थर बॉईज मध्ये. टॉस इथे जिंकला होता डीएस लॉयन्सने. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय आणि आतापर्यंत हा निर्णय खूप चांगला मानला जाईल. सेकंड ओव्हरमध्ये आहे बॉलिंग माकर मनोज. चांगली बॉलिंग मनोजची. स्विंग अँड मिस. खडेखडे थोडासा फ्रंट फुटवर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न झाला परंतु बदल आली तर हँड अँड आय कॉर्डिनेशन दोन्ही चुकीचं होतं बॅट्समनचं. सरळ जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये हा बॉल. चांगली बॉलिंग होत असताना मनोजची सेकंड ओव्हरमध्ये रन झाले स्कोरबोर्डवर आतापर्यंत 9. षटक क्रमांक 2 इथे चालू असताना शॉर्ट आर्म पुल केलाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. डीप मध्ये फिल्डर आहे. तत्पूर्वी शॉर्ट स्क्वेअर लेगचा फिल्डर बॉल पर्यंत जातोय. सिंगल इथे कम्प्लीट केली जाईल. नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये असत असताना खेळत असताना नवनाथ आणि सध्या प्रेमने इथे स्ट्राईक रोटेट केली आहे. सिंगलने स्ट्राईकिंग हेडला आता येतोय नवनाथ. धडधाकट शरीरयष्टी आहे. टेनिस बॉल क्रिकेटर साठी ही शरीरयष्टी खूप महत्वाची असते आणि नवनाथ वन डाऊन धडाकेबाज बॅट्समन आहे या टीमचा. अपेक्षा भरपूर आहेत नवनाथ कडून. त्या अपेक्षांचं ओझं घेऊन मैदानामध्ये उतरलाय. त्याच्यासमोर बॉलिंग करत असताना बॉलिंग मार्कवर मनोज. वेगवान बॉल होता यावेळी विचिट केलाय. पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने फिल्डर होता. तत्पूर्वी 1 रन इथे कम्प्लीट केली जाते. 38 सर्कलमध्ये खूप चांगलं फिल्डिंग आणि या सिंगल नंतर स्ट्राईक रोटेट करत असताना बॅट्समन नवनाथ. या सिंगल नंतर रन झाले स्कोरबोर्डवर मॅजिकल फिगरमध्ये आतापर्यंत 11. नेल्सन आकडा आपल्या स्कोरबोर्डवर कारण पहिल्या ओव्हरचा खेळ इथे संपलाय. 11 रन स्कोरबोर्डवर आहेत. बॉल तयार राऊंड विकेट. शॉर्ट बॉल होता यावेळेला हुक केलाय. बॉल हवेत आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फिल्डर पहा मागच्या बाजूने जज करून अतिशय चांगला कॅच तिथे पकडला गेला. तिथे होता पंकज आणि खूप चांगली कॅच. बॅट्समन आउट होतोय. मोठी विकेट. प्रेम बॅक टू द पॅव्हिलियन. दोन्ही ओपनर्स आता आराम करत असताना पॅव्हिलियनमध्ये. थँक्यू डीजे. डीजे थँक्यू डीजे. आज आपल्या स्पर्धेला उपस्थित मान्यवरांमध्ये युवा नेतृत्व आणि थोर समाजसेवक माननीय रवी घरत साहेब यांची उपस्थिती लाभलेली आहे. त्यांचं रणजी स्मृती चषकातर्फे आपण हार्दिक स्वागत करीत आहोत. त्याचबरोबर सन्माननीय राजेंद्र पाटील साहेब यांची उपस्थिती सुद्धा आम्हास इथे लाभलेली आहे.
मान्यवरांचे रणजित स्मृती शासकातर्फे आपण हार्दिक स्वागत करीत आहोत. थोर समाजसेवक, थँक्यू सर. त्याचबरोबर माननीय शिवाजी शिंदे साहेब यांची उपस्थिती आम्हाला इथे लाभलेली आहे. मान्यवरांचं रणजित स्मृती चषकातर्फे आम्ही हार्दिक स्वागत या ठिकाणी करत आहोत. हे चित्र फार वेगळं आहे. माननीय सन्माननीय आमदार प्रताप सरनाईक साहेब यांची उपस्थिती, सन्माननीय रवी घरत साहेब यांची उपस्थिती, सलीम पाटील साहेब आहेत, शिंदे साहेब आहेत, पाटीलजी आहेत, माननीय सन्माननीय शिवाजी शिंदे साहेब यांची उपस्थिती आज आम्हाला प्रार्थनीय आहे. मान्यवरांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. सर 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 मी विनंती करीन सन्माननीय आमदार प्रताप सरनाईक साहेबांना शुभेच्छा पर सर जरा. रणजित स्पोर्ट्सच्या वतीनं दरवर्षी भरवण्यात येणाऱ्या ह्या टुर्नामेंटला माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. अतिशय चांगल्या प्रकारे दरवर्षीप्रमाणे ह्या स्पर्धा ह्या ठिकाणी आयोजित करतात आणि आम्हाला दरवर्षी न चुकता बोलवल्याबद्दल आपल्या आयोजकांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि अशा स्पर्धा सदोदित आपण भरवत राहा. जे सहकार्य आणि योगदान आमच्या माध्यमातून तुम्हाला हवं असेल ते निश्चितपणे मिळालं जाईल याची ग्वाही देतो. तुम्हाला सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. असाच प्रेम आशीर्वाद ऋणानुबंधाचा धागा नेहमीच कायम ठेवण्यात यशस्वी होत असतात आपले लजलमान्य लाडके आमदार श्री प्रतापजी सरनाईक. खरंच त्यांच्याबद्दल जे बोललं जातं ते खरंच सत्य आहे. जनतेच्या गळ्यातला ताईत म्हणजे सन्माननीय प्रताप सरनाईक. जनमानसांचा सच्चा पाईक आणि शिवसेनेचा सच्चा पाईक म्हणजे प्रतापजी सरनाईक. आपलं नेतृत्व आणि गुण आणि कर्तव्य यांना आमचा मानाचा मुजरा. बोलूया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्सकडे कुणालांच्याकडे. चांगली बॉलिंग आता इथे होत असताना नीलकडून. सुनील हे खरं नाव आहे. नील या टोपन नावाने प्रसिद्ध असलेला हा बॉलर. चांगली बॉलिंग आतापर्यंत टॉस जिंकल्यानंतर डी एस लॉयन्सने केलेली आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये पॉवर प्लेमध्ये जर विचार केला तर फक्त 8 रन खर्च झाले. सेकंड ओव्हरमध्ये मनोजने फक्त 3 रन खर्च केले. 11 रन स्कोरबोर्डवर होते आणि आता तिसऱ्या ओव्हरमध्ये फक्त 1 रन आतापर्यंत आली आहे. रन झाले स्कोरबोर्डवर 12. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. चांगली बॉलिंग. फुलर लेनचा बॉल होता. खूप चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. बॉटम एंडचा खूप चांगला वापर. सरळ जातोय स्ट्रेट डाऊन टू ग्राउंड. साईड स्क्रीनला भेदून बॉल सीमापार. चौकार. रिसर बनवावा लागतो आणि इथे तोच राजमार्ग बनवण्याचा प्रयत्न या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेल्या प्रत्येक टीम करताना दिसतील. लक्ष एकच आहे, ही ट्रॉफी जिंकण्याचं. दरवर्षी ही स्पर्धा भरवली जाते 5 चॅम्पियन्स आणि त्या 5 चॅम्पियन्स टीमचे डगआउट पॅव्हिलियन आपल्याला पाहायला मिळतात. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु इथे प्रयत्न फसतोय. मिड विकेट स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने प्रयत्न फसतोय. इथे टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये हा स्ट्रोक सर्रास खेळला जातो. भरपूर वेळेला हा स्ट्रोक लागतो बॅटमध्ये, त्यावेळेला खूप चांगलं चित्र दिसतं आणि भरपूर वेळेला बॅट्समन बीट होतो. त्यावेळेला मात्र थोडंसं वेगळं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यावेळेला बॉलर खुश मात्र होतो. जॉली बॉईज मुमरा आणि त्याचबरोबर भावेश इलेव्हन वन साईड दोन्ही टीमचे कॅप्टन यायचं आहे आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्सच्या दिशेने. वन साईड वर्तकनगर दोन वेळा ही स्पर्धा जिंकलेल्या आहेत त्यामुळे या टीमवर सर्वांच्या नजरा खेळलेल्या असतील. यावेळेला लॉंग लेग रिजन मध्ये बॉल ट्रॅव्हल होतोय. शॉर्ट फाईन लेग वरून फिल्डर जातोय. तोपर्यंत 1 रन इथे कम्प्लीट केली जाईल. या सिंगल नंतर रन होत्या. स्कोरबोर्डवर आतापर्यंत 17-17. एक चांगला स्ट्रोक मगाशी आपल्याला पाहायला मिळाला होता नवनाथच्या बॅटमधून. बॉटम एंडचा खूप चांगला वापर. स्ट्रेट डाऊन टू ग्राउंड. नवनाथकडे क्षमता आहे. मी मगाशीच म्हटलं होतं नवनाथ चांगली शरीरयष्टी असलेला बॅट्समन आहे या टीमचा. मोठमोठे स्ट्रोक खेळण्यासाठी तो जाणला जातो परंतु आता वेळ देखील त्याच्या टीमसाठी तशीच आहे. तुम्हाला आक्रमण करावं लागेल बॉलिंगवर आणि तोच प्रयत्न आता मात्र दोन्ही बॅट्समनकडून व्हायला हवा. नवनाथ आणि आता स्ट्रायकिंग इनला खेळतोय बॅट्समन संतोष. चांगली बॉलिंग, चांगली बॉलिंग. फुलर लेनचा बॉल उडवायचा होता हेलिकॉप्टर परंतु इथे प्रयत्न फसतोय. सरळ जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये.
अस्त्र पहा बॉलिंग मध्ये काय बॉलिंग केलेली आहे। गौरव ने पहिले षटक 8 रन, दुसरे षटक टाकलं मनोज ने, त्या ओव्हर मध्ये रन आले 3 आणि तिसरे षटक टाकलं नील ने। या ओव्हर मध्ये चौकार मारलेला असताना देखील रन आलेत फक्त स्कोरबोर्डवर 6। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानामध्ये जाते, तत्पूर्वी जाऊया प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये। मला वाटतं टॉस साठी दोन्ही टीमचे कॅप्टन तिथे उपस्थित आहेत। 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोरबोर्ड रन आहेत 17, वेळ आहे आपण जाऊया डीजे कडे, ऐकू एक चांगलं संगीत। आहेत मित्रांनो, एक स्पर्धा, एक मोठी स्पर्धा आपल्या समोर रंगते। 6वं पर्व या स्पर्धेचं, श्रीकांत भोईर यांच्या संकल्पनेतून ही स्पर्धा आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येतो। दिवंगत आपले बंधू रणजित भोईर यांच्या स्मरणार्थ या स्पर्धेचं आयोजन दरवर्षी केलं जातं। रणजित स्मृती चषक 2020 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। बॅक टू क्रिकेट, 3 ओव्हरचा खेळ इथे संपलाय। 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर आहे आतापर्यंत 17। पहिलं षटक हे मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं आहे। या मॅच नंतर काही नियमाची अंमलबजावणी आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचू। या वेळेला स्ट्रोक हवेत आहे, समोरच्या दिशेने खेळलेला हा बॉल, बॉल जातोय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, अंपायरचा सिग्नल येतोय, येट्स इट्स मॅक्सिमम षटकार। बाहेर हा बॉल जातोय 6 रन साठी। चांगली बॅटिंग करत असताना नवनाथ आपल्या टीम साठी, 23 रनवर स्कोरबोर्ड आहे। बॅटिंग करत असताना पॅन्थर बॉईज शास्त्री नगर या मॅच मध्ये, नेक्स्ट मॅच आहे भावेश 11 वन साइड वर्तक नगर वर्सेस जॉली बॉईज मुंब्रा मध्ये। डेड बॉलचा इशारा त्या अंपायरने घोषित केला। ओव्हर नंबर 14 प्रोग्रेस, मनोज बॉलिंग मार्कवर, ज्या मनोजने अगोदर चांगली बॉलिंग टाकली त्याच्या विरुद्ध मोठा षटकार। पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय, परंतु इथे शॉर्ट थर्ड मॅनला कॅच ड्रॉप, खरा फिल्डिंग। नवनाथ एक नेते कंप्लीट करायचं असताना स्वतःवर थोडासा नाराज आहे, कारण टायमिंग त्याचं थोडंसं जुळलेलं दिसलेलं नाहीये या स्ट्रोकमध्ये। एक रन तत्पूर्वी कंप्लीट करत असताना नवनाथ आपल्या टीमसाठी रन झाले 24। 5 ओव्हरची ही मॅच आहे, त्यामुळे आता आक्रमण करावं लागेल। दोन्ही साईडने आक्रमण करण्याची आवश्यकता आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमचा विचार केला तर। या मैदानावर भरपूर रन होतात, सकाळचं 17 आहे। सकाळच्या 17 ही पहिली मॅच मुख्य स्पर्धेमधली आणि खूप महत्वाची मॅच आहे, जिंकणं प्रत्येक टीमचं लक्ष आहे या स्पर्धेमध्ये। एक एक पाऊल पुढे टाकत ही स्पर्धा जिंकण्याचं एक ध्येय घेऊन मनाशी बाळगून हा संघ मैदानामध्ये उतरत असताना बॅकफुटला जाऊन खूप चांगला फटका पाहायला मिळतोय। स्वीपर कव्हर आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या गॅपमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, डीपमध्ये फिल्डर आहे, 2 रन इथे घेण्याचा मानस धाडस आणि तो पूर्ण होत असताना बॅट्समन मैदानामध्ये खेळतोय संतोष। नाव संतोष आहे, परंतु आता आक्रमण करावं लागेल बॅटिंग करत असताना। 2 रन झाले स्कोरबोर्ड, रन झाले स्कोरबोर्ड आतापर्यंत 26। षटक क्रमांक चालू असताना हे 4th 26 रन स्कोरबोर्डवर आहेत। 5 ओव्हरची ही मॅच, नवनाथला जास्तीत जास्त स्ट्रायकिंग एंडला आणण्याचा प्रयत्न करावा लागेल, कारण नवनाथ इन टच आपल्याला पाहायला मिळतोय, फॉर्म मध्ये बॅट्समन आहे। त्याच्या बॅटमधून एक चौकार चांगला आला, एक षटकार त्याने ठोकलाय। संतोष देखील आता आक्रमण करण्याच्या तयारीमध्ये नक्की असेल। बॉलर तयार मनोज, लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट, हा बॉल बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कट केलाय। पॉइंट मध्ये फिल्डिंग पहा, लाजवाब, एका हाताने बॉल अडवण्याचा प्रयत्न सुशीलचा,
खूप चांगली फिल्डिंग होत असताना सुशील कडून या सिंगल नंतर स्ट्राइक रोटेट करतोय बॅट्समन मैदानामध्ये संतोष आणि सिंगल नंतर रन झालेले आहेत आतापर्यंत 27. रणजी स्मृती चषक 2020 हा सोहळा पहिली मॅच आपल्या समोर उद्घाटनीय लढत 40+ दरम्यान रंगली परंतु त्यानंतर मुख्य स्पर्धेतला हा पहिला सामना तुम्ही अनुभवताय. स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवस हा रणसंग्राम असा सुरू राहील. मनोजचा हा बॉल ऑन साइडला आता डीप बॅकवर्ड स्कोअर लेगच्या दिशेने दिशा दिलीये. जोपर्यंत एक रन कंप्लीट आणि दुसऱ्या रनसाठी प्रयत्न करत असताना डीपमध्ये चांगली फिल्डिंग होत असताना नवनाथचा चांगला खेळ सध्या सुरू आहे. दोन रन मिळतील आणि रन झाले स्कोरबोर्डवर 29 रन. ड्रोनच्या माध्यमातून काही क्षणचित्र टिपली जातात. आमचे कॅमेरामॅन खूप चांगलं वर्क करत असताना टेनिस क्रिकेट .in ची संपूर्ण टीम तयार आहे. या स्पर्धेचं सर्व धावतं समालोचन घेऊन येत असताना आमचे सर्वच कॉमेंटेटर मित्र त्यामध्ये हेमंत पाटील, शेजाज शेख आणि त्याचबरोबर बंटी देसाई आणि मी स्वतः कुणाल. यावेळेला बॉल हवेत खेळलाय. नवनाथच्या बॅट मधून तडाका, बॉल जातो व्हाईटिश लॉंग ऑन सीमा पार. अंपायरचा इशारा हा षटकार. तर षटक क्रमांक 4 इथे संपले. 4 ओव्हरचा खेळ समाप्ती नंतर स्कोरबोर्ड रन आहेत. बॅटिंग करत असताना पॅन्थर बॉईज शास्त्री नगर आतापर्यंत 35-35. शेवटचं षटक पहिल्या इनिंग मधलं आणि लास्ट ओव्हर मध्ये बॉलिंग मार्कवर तयार होत असताना बॉलर रवी यादव लास्ट ओव्हर मध्ये स्ट्रायकिंग एंडला खेळतोय. बॅट्समन संतोष, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला नवनाथ. नवनाथच्या बॅटमधून आतापर्यंत षटकार आले 2, त्याच्या बॅटमधून चौकार आला 1. नवनाथ आतापर्यंत खेळतोय वैयक्तिक 21 या आकड्यावर. 35 रनपैकी 21 रन नवनाथच्या बॅटमधून प्रेक्षकांनी पाहिलेत. ज्यावेळेला मैदानामध्ये गेला त्याच वेळेला मी उल्लेख केला होता हा बॅट्समन खूप घातक आहे या टीमचा, याच्यावर दारोमदार आहे या टीमची आणि आतापर्यंत यशस्वीरित्या ती दारोमदार पेललेली आहे बॅटिंग करत असताना नवनाथने. शेवटचं षटक आहे रवी यादवच्या हातामध्ये. हे षटक सर्वाधिक महत्वाचं षटक मानलं जातं डेथ ओव्हरमध्ये. पहिला बॉल बॅकफुटला गेल्यानंतर आता मात्र पुल केलाय, पुल सक्सेसफुल. बॉल जातोय व्हाईटिश लॉंग ऑन सीमारेषा पलीकडे. बॅट्समन यावेळेला संतोषच्या बॅटमधून षटकार. थँक्यू डीजे, थँक्यू. काय फटका होता बॅकफुटला गेल्यानंतर. हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन पहा, मनगडातली ताकद पहा आणि त्याच्यावर रन आले 6. नाव संतोष आहे परंतु आता आक्रमण करावं लागेल आणि तसंच आक्रमण तो करतोय. मैदानामध्ये नवनाथ देखील त्याच्यासाठी अप्रिशिएशन देत असताना त्याला माहिती आहे महत्वाची मॅच आहे, रन पाहिजे टीमला. स्कोरबोर्ड रन झालेत आता 41. लॉस ऑफ 2 विकेट. बॅटिंग करणारी टीम पॅन्थर बॉईज शास्त्री नगर. पुन्हा एकदा समोर खेळला, यावेळेला मिड ऑफला फिल्डर जज करतोय. नो मॅन्स लँड मध्ये बॉल पडेल तोपर्यंत 2 रन घेण्याची संधी होती बॅट्समन संतोष कडे. 2 रन संतोषला मिळतील देखील. रन झाले स्कोरबोर्डवर आतापर्यंत 43 रन. टेनिस क्रिकेट .in आपल्या कॅमेरामध्ये प्रत्येक क्षण इथे टिपत असताना खूप चांगलं लाईव्ह टेलिकास्ट दरवर्षी या रणजी ट्रॉफीचं टेनिस क्रिकेट .in च्या माध्यमातून केलं जातं आणि आपल्या मैदानाच्या बाहेर जे डगआउट प्रेक्षकांना बसण्यासाठी केलेले आहेत त्यावर पहा दरवर्षी जिंकलेल्या टीमच्या नावाने ते डगआउट आहेत. मागील वर्षी 2018-19 मध्ये अंजूर स्पोर्ट्स अंजूर हा संघ विजेता होता. एक्स्ट्रा कव्हर स्वीपर कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने त्या टीमचं डगआउट आहे. रणजी स्पोर्ट्स कासारवडवली हे देखील विनर होते 2018 मध्ये. 2017 मध्ये कुणाल स्पोर्ट्स वाघबीळ हा विनर होता आणि त्याच्या अगोदर 2 वर्ष ही स्पर्धा गाजवली वन साइड स्पोर्ट्स वर्तकनगरने. यावेळेला स्ट्रोक चांगला आहे, बॉल बॅट मध्ये संघर्ष कायम आहे, बॉल सीमा पार जातोय. संतोषच्या बॅट मधून आता षटकार.
50 रन स्कोरबोर्डवर आहेत, 49 रन ऑन स्कोरबोर्ड. संतोषच्या बॅटमधून आता रन यायला लागलेले आहेत. संतोषने लाजवाब इनिंग पेश केली. बॉलिंग करणारी टीम देखील म्हणत असेल आपण अभ्यास केला होता बॅट्समन नवनाथचा, परंतु पेपर आलाय आता संतोषचा. काय बॅटिंग आहे, लाजवाब खेळ, लास्ट ओव्हरमध्ये दमदार खेळ. ऑन साइडला पुन्हा एकदा कॅप मध्ये खेळतोय, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने बॉल जातोय वनबाव सीमा पार. आणि हा खूप चांगला चौकार बॅट्समन संतोषच्या बॅटमधून, 50 अप, रन होता स्कोरबोर्डवर 53. शेवटचा बॉल या पहिल्या इनिंग मधला आणि आतापर्यंत अर्धशतक स्कोरबोर्डवर आहे बॅटिंग करत असताना. ओहो, यावेळेला फुलर लेनचा बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, रन घेण्याचा प्रयत्न इथे केला नवनाथने. पहा किती चपळतेने, अतिशय वेगाने एक रन इथे कंप्लीट करत असताना. आणि आता दुसऱ्या रन साठी प्रयत्न होतोय, दुसरी रन देखील इथे पूर्ण होत असताना. जमैकाचा धावपट्टू हुसेन बोल्ट जर नवनाथकडे पाहिलं, त्याने जर लाईव्ह टेलिकास्टच्या माध्यमातून तो देखील भेट घ्यायला येऊ शकतो नवनाथची. ज्या पद्धतीने इथे धावलाय नवनाथ मैदानामध्ये, दोन रन यशस्वीरित्या कंप्लीट करत असताना लास्ट बॉलवर हुसेन बोल्टला देखील लाजवला आज नवनाथने. आणि अशा पद्धतीने पहिलं सत्र इथे संपलंय. पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर स्कोरबोर्ड रन आहेत 55-56 रनचं टार्गेट. अब तक 56, जाऊया प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये, तिथे सहजात शेख आमच्याशी जुळतील. आणि तिथे होईल टॉस, वन साइड वर्तकनगर विरुद्ध जॉली बॉईज मुंब्रा मध्ये. इट्स ओव्हर टू सहजात शेख. थँक्यू. थैंक यू. चलते हैं टॉस बॉक्स की तरफ. मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों ही टीम के कैप्टन्स, भावेश 11 वन साइड वर्सेस जॉली बॉयज मुमरा. कैप्टन आना है टॉस के लिए. और साथ ही साथ माननीय श्री रवि जी गरज सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपके शुभ हाथों से ये टॉस की प्रक्रिया पूरी की जाए. तो आइए जॉली बॉयज कैप्टन एंड भावेश 11 कैप्टन, टॉस बॉक्स की तरफ प्लीज. सूरज थोड़ा दौड़ते हुए आना है, उसी तरीके से कैप्टन मुदस्सिर खान थोड़ा भागते हुए आए प्लीज, क्योंकि एक इनिंग के बाद जो टॉस की प्रक्रिया है वो हम पूरी करते हैं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज दौड़ते हुए आए थोड़ा. साथ ही साथ जो हमारे मान्यवर है रवि सर, मैं उनसे विनती करूंगा. रवि सर आइए, आपके शुभ हाथों से हम टॉस की प्रक्रिया पूरी करते हैं. तो प्लीज वेलकम रवि सर. सूरज आइए प्लीज, दौड़ते हुए आना, थोड़ा टाइम वेस्ट ना करें. एक युवा नेता, एक बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ यहां पर जुड़ चुकी है रवि सर, उनके शुभ हाथों से टॉस की प्रक्रिया हम जरूर पूरी करेंगे. तो आइए प्लीज कैप्टन. एक तरफ है जॉइज मुंबई, तो दूसरी तरफ है यहां पर भविष्य 11 वर्तक नगर. रंजीत फाउंडेशन, रंजीत चषक, कॉल कौन देना चाहेगा? यस सूरज यहां पर कॉल देंगे. रंजीत चषक का कॉल दिया है, रंजीत चषक आया है बिल्कुल हमारे साथ. यहां पर रवि सर मौजूद हैं, तो जरूर रवि सर से हम जानना चाहेंगे. सर यंगस्टर यहां पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप खुद एक यंगस्टर हैं, यहां से इस मंच से क्या संदेश देना चाहेंगे यंगस्टर्स को? सर मेरा दोस्त है शैलेश और उसका भाई है चिकू, ये हर साल यहाँ पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं क्रिकेट के लिए, और ये लगातार 7 दिन कार्यक्रम यहाँ पे होता है, और उनके साथ ही मैं हमेशा हूँ. उनको बहुत सारे मेरी तरफ से शुभेच्छा. थैंक यू सो मच सर. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा रवि सर कि आप विराजमान हो मंच के ऊपर, हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र पाटिल सर. तो राजेंद्र पाटिल सर आप भी जरूर यंगस्टर्स को यहां से कुछ संदेश जरूर दीजिए. हर साल रणजी स्पोर्ट ये घोड़बंदर रोड थाना, ये आप बोले तो पूरा महाराष्ट्र में इससे बड़ी स्पर्धा में देखा, टेनिस क्रिकेट में देखा नहीं हूँ. और ये बच्चे सब जो भी
हमारे दोस्त ये जो स्पर्धा आयोजित करते हैं, इतनी क्लीन और सबसे बेस्ट स्पर्धा होती है कि सब लोग देखने के लिए आते हैं, और हमारी तरफ से सबको शुभेच्छा देता हूँ और अच्छा खेल हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैं आप सभी से मान्यवरों से विनंती करूंगा कि सर आप मंच पर विराजमान हो। यहाँ पर जॉली बॉयज और भावेश 11 कैप्टन है। भावेश 11 वर्तकनगर, आपने दो बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है, 2015-2016, अब चल रहा है 2020, तो क्या स्ट्रेटेजी बनाई है आपने टॉस जीतने के बाद? फर्स्ट हम फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, ऑपोजिट में जॉली बॉयज जैसी नामी ग्रामी टीम है, कितने रनों पर रोकने की कोशिश होगी उनको? 5 ओवर्स में 50 to 55। कोई प्लेयर की कमी फील हो रही है आपकी टीम में आपको? नहीं, आज पूरी साइड है। बिल्कुल, आज रवि एक्शन में दिखेंगे? हाँ, आपको दिखेंगे। बिल्कुल, आज पूरी कम्प्लीटली साइड है। कैसा लग रहा है 2020 का आयोजन और नियोजन? आयोजन नियोजन बोलने की जरूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ बेटर ही होता रहता है इस टूर्नामेंट में, और ये साल भी कुछ अच्छा ही हुआ है। बिल्कुल, ये थे सूरज, ज्यादा नहीं लेंगे इसलिए थैंक यू सो मच। अब चलते हैं मुदस्सिर के पास। मुदस्सिर, अगर आप सुबह के वक्त यानी सेकंड मैच में अगर आप टॉस जीतते तो पहले क्या करना पसंद करते? हम लोग भी फील्डिंग ही करते थे। बिल्कुल, एक नामी ग्रामी टीम है, तीन टूर्नामेंट में दो चैंपियन ट्रॉफी जीत चुकी है इस क्षेत्र में। वन साइड जैसी नामी ग्रामी टीम भावेश 11 के नाम से परफॉर्मेंस कर रही है, तो इनके सामने कितने रन का टारगेट बनाने की कोशिश होगी आपकी? प्लस 60 कोशिश करेंगे। प्लस 60 के आसपास एक बेहतरीन मैच देखने मिलेगी? जरूर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैच ऑन होने जा रहा है। दोनों ही टीम के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका सिग्नेचर, आपको यहां पर सिग्नेचर बोर्ड पर साइन आपकी करना है। तो चलिए दोस्तों, मैच की शुरुआत हो रही है। इसी बीच ये पहली गेंद, इस बार प्रहार किया था, गेंद काफी समय तक हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, हाथों से कैच, छटका और छूटा, शॉट मिड ऑन पर, ये एफर्ट जरूर देखने मिला, लेकिन जीवनदान के साथ यहां पर अकाउंट ओपन हुआ है, खाता जरूर खुला है। तो बिल्कुल, टॉस की कुछ कहानी इस प्रकार की रही। टॉस जीता है भावेश 11 वन साइड पैकर्स की टीम ने, और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, अपनी सहयोगी टीम को आमंत्रित किया है इस वक्त जॉली बॉयज मुमरा को बल्लेबाजी के लिए। तो चलते हैं इस मैच की तरफ, आपको लिए चलते हैं जिस मैच की कहानी कुछ समय तलक के कुणाल दाते साहब सुना रहे थे। तो प्लीज कुणाल जी, 56 रनचं या टार्गेट ठेवण्यात आलेलं आहे या मॅचमध्ये। डीएस लॉयन्स या टीमच्या समोर प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये टॉस झाला, टॉसची प्रक्रिया तिथे कम्प्लीट झाली आमच्या साथी कॉमेंटेटर मित्र सहजाज शेख यांच्याकडून, आणि आता कॉमेंट्री बॉक्समध्ये देखील परिवर्तन होतंय, कॉमेंट्री देखील त्यांच्याच वाणीतून हिंदीतून आपण ऐकणार आहोत। या मॅचचं धावतं समालोचन ते आपल्या समोर घेऊन येतील सहजाज शेख, मॅन फ्रॉम मुमरा। थँक्यू। थैंक यू सो मच कुणाल दातेजी। और इस बार देखिए बढ़िया हिट, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, 4 रनों के लिए। इस एक रन के साथ रनों की रन संख्या पे अगर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 3 रन, माफ कीजिएगा 6 रन, स्कोर 6 रनों पर इस वक्त दर्शाता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार टॉप एज जरूर लगी थी, गेंद थर्डमैन के क्षेत्र में फील्ड की गई, 1 रन मिलेगा जरूर। इस वक्त गेंदबाजी की जिम्मेदारी अगर संभाली है तो गेंदबाज है वो नवनाथ, और बल्लेबाजी की कमान पर अगर देखें तो खुद कप्तान सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे हैं पंकज सिंह, और उनका साथ देने के लिए है गौरव। इस तरीके की सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई, टारगेट रखा गया है 56, 56 रन बनाने हैं इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। नवनाथ की अगली गेंद लंबे रनअप के साथ
गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। इस बार देखिए हल्के हाथों से खेलने की चाहत, एक रन मिलेगा जरूर, जब तक के 38 सर्कल में जो पॉइंट के खिलाड़ी है गेंद को फील करते, एक रन यहां पर मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। फील्डिंग की व्यूहरचना की अगर बात करें, पावर प्ले का बंधन जारी है इस वक्त, हम देख सकते हैं शॉर्ट स्क्वायर लेग, उसी तरीके से एक फाइन लेग, एक मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी, एक मिड ऑन और एक खिलाड़ी डीप काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। लेग साइड की व्यूहरचना इस बार थोड़ी सी फुल टॉस बनाकर खेला था गेंद को, गेंद आती हुई इस वक्त काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, जब तक के गेंद को फील करके थ्रो किया जाता, एक रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, और इस एक रन के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। और इस पहली पावर प्ले की ओवर में रनों को जो जोड़ लिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम डी एस लॉयंस की टीम ने, वो है लगभग 9 रन बिना कोई विकेट गवाए। एक अच्छी शुरुआत की कोशिश, एक अच्छे टारगेट तक के पहुंचने की कोशिश, कुछ तो रणनीति बनाकर उतरी है इस वक्त लायंस की टीम। अब देखना यह है कि लायंस भारी पड़ते हैं या फिर यहां पर पैंथर उन पर धावा बोलते हैं। दोनों ही टीमों की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में नामी ग्रामी टीम मानी जाती है। दोनों ही टीमों की अगर बात करें तो दोनों ही टीमों के पास सितारों की कोई कमी नहीं है। अगर उस तरफ पैंथर की तरफ नज़र डालें तो पैंथर के पास मयूर जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, किशन जैसे खिलाड़ी, प्रेम जैसे सितारे मौजूद हैं। उसी तरीके से अगर बात करें डी एस लायंस की तो इनके पास पंकज जैसे एक डेंजर बैट्समैन मौजूद, शुभम जैसे खिलाड़ी मौजूद, काफ़ी सारे सितारों से भरी ये टीम इस वक्त परफॉर्मेंस करने की चाहत है। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम जरूर बताना चाहेंगे, पहला मुकाबला जारी है। टॉस जीतने के बाद डी एस लायंस की टीम ने पहले यहां पर फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और आमंत्रित किया था पैंथर टीम को इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए। तो बल्लेबाजी करते हुए यहां पर पैंथर टीम ने बनाए हैं 55 रन और टारगेट रखा 56 रनों का। अब देखने वाली बात यह है कि सुबह की वक्त यहाँ पर जीत हासिल करने वाली कौन सी टीम होगी, क्या वो लायंस होंगे या फिर पैंथर, इन पर भारी पड़ेंगे। क्योंकि अभी देखें तो पहली ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन हो चुके हैं बिना कोई विकेट गवाए, अच्छा यहाँ पर स्टार्ट लेने की जरूर कोशिश की है। अगली गेंद किशन लेकर तैयार। इस बार तेज तर्रार गेंद थी, बल्ले को स्विंग किया था, बैट का एक छोटा सा किनारा लेकर गेंद जाती हुई कीपर के दास्तानों में, विकेट का हुआ है पतंग और इस वक्त लगा है बड़ा झटका डी एस लायंस को। इस वक्त यहां पर विकेट गिरा है जरूर, एक सेट बैट्समैन है जो कि खुद सेनापति हैं, इस टीम के कैप्टन हैं, इस टीम की जिम्मेदारी इनके कांधों पर है और इनके सर पर हम देख सकते थे ऑरेंज कैप थी, वही खिलाड़ी आउट होकर इस वक्त पवेलियन की राह लौटते हुए। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं किशन। किशन की अगर बात करें तो परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाला ये खिलाड़ी अपनी टीम की ओर से परफॉर्मेंस करने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली और पहली गेंद पर यहां पर अपने आने की दस्तक दी। इस बार देखिए करारा प्रहार, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। थैंक यू डीजे सैंडी, थैंक यू सो मच। इस वक्त हम स्ट्रोक की अगर चर्चा करें, व्हाट अ स्ट्रोक, क्या बात है, ऑन द राइट स्ट्रोक को खेला था, प्रहार किया गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, परफेक्ट प्लेसमेंट का नजारा जरूर देखने मिलता हुआ। अगली गेंद किशन की फिर से एक बार, इस बार एक और बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद जाती हुई डी बैक सा कवर के क्षेत्र में, बहुत ही बेहतरीन कैच को लपका है यहां पर पंकज ने, व्हाट अ कैच। We'll be right back.
दिन का सबसे खूबसूरत कैच है, उल्टा दौड़ते हुए इस कैच को पकड़ा है, यानी पेपर काफी कठिन था लेकिन यहां पर 100 में से 100 लेकर आए बल्ले यहां पर खिलाड़ी पंकज सातपुते। व्हाट अ कैच, क्या बात है। इस कैच के साथ झटका जरूर लगा लायंस की टीम को, थोड़ी सी यहां पर लायंस की टीम की अगर बात करें तो थोड़ी सी बैकफुट पर इस वक्त नजर आती हुई, और रनों की रन संख्या की अगर बात करें तो स्कोर दर्शाता हुआ दो आंकड़ों में 15 रन। शुभम न्यू बैट्समैन के रूप में आए हैं। शुभम की अगर बात करें तो इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में है, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, 360 डिग्री में बल्लेबाजी करने की क्षमता इनके अंदर मौजूद। किशन की अगर बात करें तो दो सफलता अब तक के यहां पर अपने नाम कर चुके हैं, एक सिक्स जरूर खाया है, पहली गेंद पे विकेट, दूसरी गेंद पे सिक्स, तीसरी गेंद पे इन्होंने विकेट चटका है। बिल्कुल यही कहा जा सकता है कि बादाम खाने से अक्कल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है, उसी तरीके का दृश्य देखने मिला। एक सिक्स लगने के बाद एक विकेट अपने नाम किया, अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी इस वक्त उनके माध्यम से जरूर देखने मिलती हुई। इस बार देखिए हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया, एक रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, सिंगल सिंगल से आंकड़े तक के पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे बैट्समैन की निशानी यही मानी जाती है जिस वक्त अच्छी गेंद हो गेंद को सम्मान दे और खराब गेंद हो तो उसका समाचार बखूबी लें, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो किशन बहुत ही बढ़िया लय में गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेटों की अगर बात करें तो काफ़ी सुंदर सी विकेट इस वक्त नजर आती हुई। इस बार देखिए फिर से एक बार चिकी सिंगल करने की चाहत जताई, नॉन स्ट्राइक हैंड के जो बल्लेबाज थे वो दौड़ते हुए गेंदबाज से जरूर टकराए हैं। अगर चोट लगी हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्राउंड के अंदर पानी की व्यवस्था करें और ताबड़तोड़ फर्स्ट एड बॉक्स ग्राउंड के अंदर लेकर जाए। हमारे कमेटी मेंबर्स प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट एड बॉक्स और पानी लेकर ग्राउंड के अंदर प्रवेश करें प्लीज। बिल्कुल दुर्घटना जरूर घटी है, गेंदबाज और बल्लेबाज जो कि नॉन स्ट्राइक हैंड के थे उनके बीच में थोड़ी सी यहां पर टकरार हो गई, और यहां पर किशन की अगर बात करें तो किशन थोड़े से चोटीले जरूर हुए हैं लेकिन यहां पर अपनी टीम के लिए वो वापस से खड़े होते हुए, वापस से जुड़ते हुए और वापस से अपनी गेंदबाजी पर सज्ज होते हुए, इसे कहते हैं अपनी टीम के लिए एफर्ट करना। मैं अक्सर कहता हूं कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से कि तीन चीजें आपके पास होना जरूरी अपनी टीम को जीत में कन्वर्ट करने के लिए, सबसे पहला तन, दूसरा मन और तीसरा धन। ये तीन चीजों का अगर योगदान आप देते हो तो आपकी टीम की जीत तय। उसी तरीके से यहां पर फिर से एक बार तैनात हो चुके हैं, लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं किशन। इसी बीच ये गेंद, इस बार ये अच्छी गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला, फुल लेंथ डिलीवरी थी, गेंद जाती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक के डीप मिड विकेट से खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करते, एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। रनों की रन संख्या पे भी इस वक्त हम नजर डाल लें तो रनों की रन संख्या जा पहुंची है 18 रनों पर। स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त कन्वर्ट होता हुआ लगभग दो ओवरों की समाप्ति के बाद 18 रन बची हुई, 18 गेंदे शेष है, 18 गेंदे आना बाकी हैं और रनों की जो दरकार है वो है 38 रन, यानी 38 रन बनाने हैं 18 गेंदों में। लेते हैं एक छोटा सा डीजे ब्रेक, फिर जुड़ेंगे आपके साथ वर्ल्ड कप 2020 रणजी चषक में जरूर। सैंडी, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों के लिए सुनहरी संधि ये भी है कि आप घर बैठे इस मैच का आनंद इन केबल के माध्यम से ले सकते हैं, चैनल नंबर 274 चैनल नंबर आप
प्रेस करिए आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर, ये लाइव कवरेज मैच आपको जरूर देखने मिलेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं थाना क्षेत्र का एक बेहतरीन टूर्नामेंट जिसकी शुरुआत आज के दिन से हुई है। सीजन है 6 लेकिन यादें हैं पुरानी। 2020 में रखा गया रणजी चषक का कुछ अलग अंदाज में पेश किया है सभी मेंबर्स ने, रंजीत टीम ने और खासकर श्रीकांत भोईर जो कि इस टूर्नामेंट के कर्ता धर्ता माना जाता है, जिन्हें और जिनके मार्गदर्शन में इस टूर्नामेंट को सजाया और सवारा जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी का फिर एक बार हम कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से, हमारे तमाम कमेटी मेंबर्स के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। 18 गेंदें बची हैं, जीत के लिए 38 रनों की जरूरत। इस बीच ये गेंद तेज तर्रार गेंद थी, थोड़ी सी फुल टॉस गेंद थी, एक रन तेज कदमों से पूरा किया, दूसरे रन की चाहत जरूर थी मन के अंदर लेकिन चाहत वो रही अधूरी, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। क्या बात है, हमारे सतीश पाटिल जिन्हें प्यार से हम एसपी कहते हैं, उन्होंने एक स्टॉल यहाँ पर आगरी कोली खाने का लगाया है, जिन्हें भी इस खाने की मेजबानी लेनी हो तो जरूर आप उनसे संपर्क साधिए। हमारे राइट हैंड साइड पर यानी आप देख सकते हैं वन साइड स्पोर्ट्स वर्तक नगर, जिस जगह पर 2016 का बैनर लगा है एग्जैक्टली उसके बाजू में ही सतीश पाटिल जो कि एक बेहतरीन शेफ माने जाते हैं इस क्षेत्र में, उनका स्टॉल लगा है आगरी कोली खाने का, तो आप उसकी मेजबानी जरूर लीजिए, आप जरूर स्वाद लीजिएगा उस स्टॉल पर जाकर। इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, बैट को बहुत ही ताकत से स्विंग किया था लेकिन गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में, ब्लाइंड स्ट्रोक कहा जा सकता है। एक अच्छी वापसी करवाते हुए इस वक्त गेंदबाज नवनाथ, नवनाथ की अगर बात करें तो टीम की ओर से आए हैं तीसरा ओवर लेकर और खुद का निजी ओवर की अगर बात करें तो व्यक्तिगत ये आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर, और पहली ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, पावर प्ले के बंधन में 9 रन उन्होंने खर्च किए थे। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, जोरदार अपील, अपील को यहां पर अंपायर ने नकारा है, लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर आता हुआ और इस एक रन के साथ रनों की रन संख्या में थोड़ी सी बढ़त होती हुई स्कोर जा पहुंचा है 21 रनों पर। जीत के लिए अभी भी जो रनों की दरकार है वो है 35 रन, 35 रन अभी भी बनाने हैं इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। बची हुई गेंदें हैं 14 हिस्से में, इसी बीच ये गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, बैट का निचला हिस्से से खेला गया स्ट्रोक, जब तक के एक्स्ट्रा कवर से आकर गेंद को फील करते खिलाड़ी 2 रन यहां पर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ रनों की जो रन संख्या है उस पे कलम जरूर चलती हुई, स्कोर का आंकड़ा तब्दील होता हुआ अलग आंकड़े में और स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 23 रनों पर। यस दोस्तों, मैन ऑफ द सीरीज कौन होगा, वो खिलाड़ी जिसे यहां पर थाईलैंड टूर की ट्रिप मिलेगी, देव टूर्स एंड ट्रेवल्स की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी को प्रदान किया जाएगा। क्या बात है, देखने वाली बात यह है कि कौन होगा थाईलैंड घूमने वाला बंदा, क्योंकि 40 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, काफी ज्यादा खिलाड़ियों के बीच एक अकेला ऐसा बंदा जिसे विदेश यात्रा का मौका मिलेगा और ये मुकम्मल हुआ है देव टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ से। और बात करें मैन ऑफ द मैच की, यस मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट वाउचर रखा गया है, 1.25 लाख रुपए का गिफ्ट वाउचर हर एक मैच के लिए ये मैन ऑफ द मैच प्रदान करेंगे जरूर रंजीत फाउंडेशन के सदस्य। तो दोस्तों कहीं ना जाइएगा, आप देखते रहिएगा ये बेहतरीन टूर्नामेंट 2020 वर्ल्ड कप थाने क्षेत्र का जिसे कहा जाता है रंजीत चषक 2020। लेते हैं डीजे ब्रेक। We'll be right back.
इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय डीजे ऑपरेटर डीजे सैंडी इस वक्त हमारे साथ जरूर जुड़े हुए हैं। रणजीत चषक 2020 में हर साल वो कुछ ना कुछ नए सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। इस बार हम देखें फ्लाइंग डीजे इस वक्त आज हमारे साथ डीजे सैंडी लगाए हुए हैं और दर्शकों का यहाँ एंटरटेन पूरी तरीके से करने की कोशिश वो जरूर करते हैं। तो बिल्कुल इस वक्त मैच की स्थिति पे नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर दर्शाता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन बची हुई 12 गेंदें शेष हैं। रनों की जो जरूरत है वो है इस वक्त 32 रन, 12 गेंदें 32 रन, हर ओवर में लगभग जीत के लिए 16 रन बनाने जरूरी। 16 रन प्रति ओवर के अनुसार अगर बल्लेबाजी करती है ये टीम तब जाकर जीत के दर्शन जरूर कर पाएगी। अब देखना यह है क्या 16 गेंदों में बनाने में यहां पर 32 रन डीएस लायंस की टीम बना पाती है या फिर यहां पर उन्हें लोहे के चने चबाने होंगे, क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात जरूरी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं रणजीत चषक सीजन है छठा लेकिन यादें हैं पुरानी। बिल्कुल फील्डिंग यूनिट टीम 25 मिनट्स, 25 मिनट का जो समय दिया गया है उसके अंदर आपको अपनी 5 ओवरों की समाप्ति करनी है। उससे ज्यादा का आपने समय लिया तो आप पेनल्टी के हकदार बन सकते हैं। सुबह के वक्त नाश्ता अच्छा लगता है, पेनल्टी नहीं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है गेंदबाज सचिन ने, लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। इसी बीच ये गेंद, इस बार प्रहार तो जरूर किया था, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, एक रन यहां पर पूरा किया, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। 11 गेंदें बची हैं, 11 गेंदों में जीत के लिए जो रनों की दरकार है वो है 31 रन, 31 रन बनाने हैं। डू और डाई का मैच है, इस मैच में बने रहना है तो डी एस लायंस की टीम को लायंस की तरह वार करना होगा, अटैक करना होगा, यहां पर शिकार बनाना होगा गेंदबाज को, तब जाकर इस लक्ष्य को वो पार कर सकते हैं। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज सचिन। इसी बीच रनअप में थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हुई है, बल्लेबाजी की कमान पर हम देखें तो दोनों ही बल्लेबाज नजर आते हुए, एक तरफ की कमान संभालते हुए गौरव तो दूसरी तरफ की कमान संभाली है शुभम ने। ये इस तरीके की जोड़ी, नॉन स्ट्राइक हैंड पर शुभम जैसे डेंजर खिलाड़ी मौजूद। इसी बीच ये गेंद, इस बार थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी, अंपायर का इशारा कन्वर्ट हुआ नो बॉल के रूप में, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, एक रन से ही संतुष्ट। यस, यहां पर ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है, ये नो डिलीवरी, ये नो बॉल जो गिरा है ये मैच में जरूर ट्विस्ट ला सकता है क्योंकि इस वक्त मैच की दशा और दिशा थोड़ी सी चेंज होती हुई नजर आ रही है। बची हुई गेंद है हिस्से में 11 और रनों की जो दरकार है वो है 29 रन, मुश्किल पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। इस वक्त देखना यह होगा कि बल्ला और गेंद में किसकी जीत होती है। इस बार कारपेट के सहारे खेला गया स्ट्रोक का, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया बहुत ही बढ़िया तरीके से नौनाथ ने, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल से यहां पर बात नहीं बनेगी, गेंद पर अटैक करना होगा। अगर आपको लंबी यात्रा करनी हो तो आप हवाई जहाज का सहारा लेते हैं, यानी हवाई यात्रा आपको पसंद आती है और कम समय में ज्यादा काम करती है, उसी तरीके से समय बचाने के लिए हवाई यात्रा गेंद को कराना जरूरी। इस बार किया है जरूर प्रहार, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। सैंडी थैंक यू। इस वक्त मैच की दशा और दिशा चेंज हो चुकी है, मान लीजिए रेगिस्तान में बारिश का काम कर दिया है इस 6 रन ने, मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ, मैच की पोजीशन चेंज होती हुई, बची हुई गेंदें हैं 9 और 9 गेंदों में रनों की जो दरकार है वो है 22 रन। संजीवनी बूटी वाला सिक्सर इस वक्त जड़ा है बल्लेबाज गौरव ने,
गौरव जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। इस बार देखिए बैकफुट पर जाकर पंच किया, खाली क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ, चार रनों के लिए व्हाट अ हिट। क्या सिचुएशन चेंज होता हुआ, गेंदे बची हैं इस वक्त 8 गेंदे आना शेष और 8 गेंदों में जीत के लिए 18 रनों की जरूरत है। 8-18 का मुकाबला इस वक्त नजर आता हुआ, दिलों की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला इस वक्त नजर आता हुआ, हार्ट बीट आहिस्ते आहिस्ते फास्ट होती हुई इस वक्त दर्शकों की यादगार मुकाबला इस वक्त कन्वर्ट होता हुआ, पहला मुकाबला रणजी चषक 2020 का धड़ाकेदार शुरुआत। इसी बीच ये गेंद, इस बार फुल एंड डिलीवरी थी, बल्ले की जड़ से खेला, एक रन तेजी के साथ पूरा किया है। थ्रो की अगर बात करें तो थोड़ा सा खराब थ्रो था, लेकिन चलिए एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। कीपर जब तक कि गेंद को फील्ड करते, एक रन यहां पर मिलता हुआ, मैच आहिस्ते आहिस्ते रंग और रूप अपना बदलता हुआ। क्रिकेट और क्रिकेट कब रंग बदले दोस्तों कहा नहीं जा सकता, मैच का सिचुएशन चेंज हो चुका है, बची हुई 7 गेंदे शेष है, 7 गेंदों में 17 रन की जरूरत, 7-17 का ये मुकाबला, सामना करने के लिए तैयार हैं डेंजर बैट्समैन शुभम, एक बड़ा नाम इन्हें माना जाता है, जिम्मेदारी इनके कंधों पर, इस गेंद का सामना करेंगे। गेंदबाजी की कमान पर है सचिन, अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इसी बीच ये गेंद, इस बार नजाकत भरा स्ट्रोक जरूर खेला था, गेंद जाती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में, 2 रन का डिमांड जरूर है, थ्रो बहुत ही बढ़िया, रनिंग बिटवीन द विकेट की अगर बात करें तो मान लीजिए जिस तरीके से जंगल में लायन दौड़ते हैं उसी तरीके से ये डीएस लॉयन लायंस के खिलाड़ी दौड़ते हुए नजर आए और ये 2 रन मुकम्मल किया और इस 2 रन के साथ मैच का सिचुएशन इस वक्त टेंशन में लाने वाला परिवर्तित तो होता हुआ, टेंशन में डालने वाला सिचुएशन इस वक्त कन्वर्ट होता हुआ, 6 गेंदे बची हैं और 6 गेंदों में 15 रन की जरूरत। यस सर, फील्डिंग यूनिट टीम फर्स्ट वार्निंग आपको अंपायर की तरफ से दी गई है, फर्स्ट वार्निंग आपको इस वक्त मिली है समय को लेकर, अगर आपने 25 मिनट में अपनी ओवर की समाप्ति नहीं की, इस इनिंग की समाप्ति नहीं की तो आप पेनल्टी के हकदार बन सकते हैं। 6 गेंदे बची हुई हैं और 6 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है, 6-15 का ये मुकाबला इस वक्त नजर आता हुआ, 6 गेंदों में 15 रन बन सकते हैं लेकिन गेंदबाजी की कमान पर आए हैं दिग्गज गेंदबाज, तरकशों के तीर में से सुनहरे तीर का इस्तेमाल इस वक्त कर रही है पैंथर 11 की टीम, वो गेंदबाज है प्रेम, प्रेम पर भरोसा यहां पर जताया गया है, अंतिम और आखिरी ओवर में इन्हें बुलाया गया है, अंतिम और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी इन पर डाली गई है, अब देखना यह है कि ये जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा पाते हैं या फिर यही जिम्मेदारियों में दब जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि इस वक्त बल्लेबाज जरूर रनों के भूखे हैं, उन्हें पता है कि 6 गेंदों में 15 रन अगर वो बनाते हैं तो इस प्रतियोगिता में वो बने रहेंगे, अगर 6 गेंदों में 15 रन नहीं बनाते हैं तो इस प्रतियोगिता में इनकी जगह दर्शकों के सिवा कहीं नहीं होगी, अब देखना यह है क्या ये दर्शक बनेंगे या फिर ये खिलाड़ी बनकर दर्शकों का दिल जीतेंगे, ये देखने वाली बात ये होगी कि जीत का सहरा किसके सर होगा, क्या वो पैंथर के कप्तान होंगे या फिर यहां पर डीएस लायंस के कैप्टन होंगे, कौन होगा जो जीत का जश्न मनाने का हकदार होगा। इसी बीच प्रेम की पहली गेंद आक्रामक रूप धारण किया था, जरूर गेंद पर किया था प्रहार, गेंद आती हुई इस वक्त लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, 5 गेंदे रनों की जो दरकार है वो है 14 रन, 5-14 का ये मुकाबला इस वक्त नजर आता हुआ, आज के दिन का ये पहला मुकाबला, शुरुआती मुकाबला, बेहतरीन मैच इस वक्त लायंस वर्सेस पैंथर के बीच,
इस बार फुल टॉस गेंद थी लेकिन प्रहार सही तरीके से नहीं कर पाए, गेंद को खेलना चाह रहे थे काशी लेकिन गेंद पहुंची वाशी, यहां पर आत्महत्या के रूप में विकेट का पतंग हुआ है, सुसाइड जरूर किया है इस वक्त बल्लेबाज ने, और एक बड़ा झटका लगता हुआ डीएस लायंस की टीम को। चार गेंदे 13 रन, एक आधा बड़ा हिट अगर लगता है तो मैच में वापसी के संकेत यहां पर दे सकती है डीएस लायंस की टीम। डीएस लायन नलपाड़ा की ये चुनिंदा टीमों में से एक टीम। इसी बीच प्रेम की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद थी, प्रहार किया लेकिन यहां पर खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ एक और झटका डीएस लायंस को लगता हुआ। हमारे बीच श्री गणेश जी शिंगे साहब आ चुके हैं, वेलकम सुस्वागतम सर, आपला मनापासून हार्दिक स्वागत। गणेश शिंगे साहब आपल्याला विनंती आहे, मनसावरती आहे साहब, आपला मनापासून हार्दिक स्वागत। रणजीत स्पोर्ट्स कासरवडोली प्रेझेंट रणजीत चषक 2020 मध्ये सुस्वागतम। अगली गेंद, इस बार किया है प्रहार, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, डेढ़ ग्राउंड पर षटकार। थैंक यू, मैच की स्थिति आ चुकी है दो गेंदे, जीत के लिए रनों की जो दरकार वो है 7, दो गेंदे 7 रन, करो या मरो की स्थिति, डू और डाई की स्थिति, कौन सी टीम है जो जीत का जश्न मनाएगी आज के पहले मुकाबले में, दो गेंदों में 7 रन, मुश्किल पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। सामना करने के लिए सज्ज होते हुए बल्लेबाज शुभम, मैंने पहले ही कहा था ये खिलाड़ी अगर विकेटों पर रहा तो मैच की दशा और दिशा चेंज करने की काबिलियत रखने वाला ये खिलाड़ी। गेंद बची है 2 और जीत के लिए 7 रनों की जरूरत। इसी बीच ये गेंद, प्रहार जरूर किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टेट ड्राइव, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगती हुई, नजदीकी मामला यहां पर हो सकता है, और 2 रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल, अच्छा कॉम्बिनेशन जरूर यहां पर देखने मिलता हुआ। कंपलसरी चेजिंग है, एक बॉल में जीत के लिए जो रनों की दरकार है वो है लगभग 5 रन, लेकिन मैच को जीतना है तो एक बड़ा हिट लगाना जरूरी। अंपायर एक मिनट, यस, यहां पर कमेटी ने जो निर्णय लिया है कि अगर मैच टाई हुआ तो फिर सुपर ओवर रखा जाएगा, यह नियम है 5 साल का, अगर मैच पे अगर बड़ा हिट लगता है 6 रन अगर लगते हैं तो ऑपोजिट टीम को टाटा और बाय बाय। अब देखना यह है, एक बॉल जीत के लिए रनों की जो दरकार है वो है 5 रन, टाई के लिए 4 रन, अब देखना यह होगा
क्या यहां पर 5 रन जड़कर शुभम अपनी टीम को जीत का जश्न मनाने का मौका देंगे या फिर कुछ और दृश्य होगा यहां पर? क्योंकि देखिए, अगर इस वक्त बात करें तो शुभम के लिए एक सुनहरा मौका है। गम ना कर, जिंदगी बहुत बड़ी है, क्रिकेट की ये महफिल शुभम तेरे लिए ही सजी है, बस एक बार एक सिक्स मार कर तो देख, तकदीर और मुकद्दर तेरे से मिलने के लिए बाउंड्री के बाहर खड़ी है। इस बार देखिए रनअप में थोड़ी सी मिस्टेक जरूर की थी, यहां पर टेंशन भरा माहौल, एक बॉल जीत के लिए 5 रनों की जरूरत, इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए 5 रनों की दरकार और मैच को टाई करने के लिए 4 रनों की दरकार। यह है रंजीत चषक 2020। इस बार प्रहार किया गेंद हवा में और इसी के साथ पैंथर टीम ने इस मैच को जीत में कन्वर्ट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन पैंथर 11 शास्त्री नगर। मैन ऑफ द मैच प्लीज वेलकम मिस्टर संतोष, मैन ऑफ द मैच, 10 गेंदे 22 रन, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। मैन ऑफ द मैच के लिए यहां पर आपके लिए गिफ्ट हैम्पर रखा गया है, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार आपको प्रेजेंटिंग बॉक्स में दिया जाएगा, जहां पर 1.5 लाख का गिफ्ट हैम्पर आपको प्रदान किया जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए माननीय श्री नानेश्वर जी पाटिल साहब, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय श्री देवीदास भोईर सर, मैं दोनों ही टीमों से रिक्वेस्ट करूंगा हैंडशेक कर ही ग्राउंड से बाहर जाना है। अगर आपने हैंडशेक कर ग्राउंड से बाहर नहीं निकले, हैंडशेक अगर आपने नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए सीजन 7 के लिए आपके बारे में सोचा जाएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारी जो कमेटी है वो काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। वेलकम स्वीट वॉइस ऑफ